Hello, my dear students. So, in this today's English lecture, we will do chapter number 4, The Strange Medicine. Page number 37 we have already done. Okay, and you know the story that the king of Samaipur was ill. वो बीमार थे, ठीक है. और उनके लिए जो है एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी उनको ठीक करेगा उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड. ओके, देन लेकिन उनकी जो बीमारी का कारण था वो क्या था, एक्चुअली ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग. ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग. कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी. और अनाउंसमेंट की गई कि जो भी उनको ठीक करेगा उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या हुआ. बीटिंग द टॉम टॉम, टॉम टॉम मीन्स ढोलक. सो बीटिंग द टॉम टॉम एंड मेकिंग अनाउंसमेंट्स वॉज डन अर्लियर टू, पहले भी की थी, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. फिजिशियंस केम मीन्स डॉक्टर्स केम एंड वेंट टेकिंग अवे फैट फीस. मीन्स जब भी वो अनाउंसमेंट करते थे तो डॉक्टर्स आते थे दूसरे, ठीक है, वो उनकी इलाज करने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. और वो फीस लेकर, फैट फीस मतलब ज़्यादा फीस लेकर चले जाते थे, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ. नाउ सी, नाउ बीटिंग द टॉम टॉम हैज़ बिकम अ रेगुलर एक्टिविटी इन द किंगडम. अब ये तो रोज का ही काम हो गया ना, पहले भी वो लोग अनाउंसमेंट करते थे, ढोलक बजाते थे, तो ये तो रोज का ही हो गया, रेगुलर काम हो गया. देन अ पुअर फार्मर सुरेश ऑल्सो हियर्स द अनाउंसमेंट. अब एक पुअर फार्मर था, गरीब किसान सुरेश, उसने भी अनाउंसमेंट सुनी कि हाँ राजा की तबीयत खराब है. सुरेश इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. जो सुरेश थे वो कैसा इंसान है, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, एंड इंटेलिजेंट, दिमाग वाला है. तो ही somehow understands द रियल कॉज ऑफ द किंग्स इलनेस. somehow understands मतलब कि उसको थोड़ा सा समझ में आ गया कि आखिर उसकी प्रॉब्लम है क्या. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, कि वो ज़्यादा खाता था, है ना, और पूरा दिन आराम करता रहता था, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता था. तो यही बात सुरेश को थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो उसको रियल कॉज मतलब देखते क्या पता चला, उसको आगे देखते हैं. तो ही चॉक्स आउट अ प्लान एंड प्रिपेयर्स टू क्योर द किंग. चॉक्स आउट अ प्लान मीन्स एक प्लान उसने बनाया एंड प्रिपेयर्स टू क्योर, इलाज करने का, कि राजा को वो किस तरह से ठीक करेगा. पूरा उसने पहले बैठकर प्लान बनाया एक कि किस तरह से मैं क्या क्या करूँगा जिससे राजा जो है वो ठीक हो जाए. तो ही स्टॉप्स शेविंग हिज मुस्टैच एंड बियर्ड. मुस्टैच मीन्स मूछें, मूछें ना, देखो राजा की आपको पिक्चर में दिख रही है, जितने भी लोग खड़े हैं सबकी मूछें हैं, आपके पापा की भी होगी. तो उसने क्या किया, शेव करना बंद कर दिया. शेव मीन्स कट करना, शेविंग करते हैं ना आपके भी पापा. तो सेम वे उसने क्या किया, अपनी मुस्टैच और बियर्ड को, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, दोनों को शेव करना छोड़ दिया. वेन हिज अनकट बियर्ड एंड मुस्टैच ग्रो लॉन्ग, जब उसकी दाढ़ी, अब आप शेव नहीं करते हैं अगर पापा, तो कैसे बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, है ना, तो हर थोड़े दिन में पापा को शेव करना पड़ता है. तो सेम वे उसने शेव नहीं किया तो क्या हुआ, उसके बाल बड़े हो गए, बियर्ड के भी और मुस्टैच के भी, यानी कि मूछों के भी, तो दोनों बढ़ गई. तो ही गोज स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट. अब जब मूछें और दाढ़ी बढ़ गई तो वह सीधा कहाँ गया, रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में. नाउ ही लुक्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, है ना, तो उसको देखकर ऐसा लगा कि हाँ ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. अब डॉक्टर है या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता ना, लेकिन उसकी दाढ़ी और मुझे देख के लगा कि उम्र वाला है तो शायद उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर लग रहा था. तो आफ्टर सैल्यूटिंग, सैल्यूट मीन्स विश करना किसी को, तो आफ्टर सैल्यूटिंग ही सेज, योर एक्सेलेंसी आई हैव कम हियर आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ. आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, मैं कोई आम डॉक्टर नहीं हूँ सब डॉक्टर्स की तरह. यू मे कॉल मी द किंग ऑफ डॉक्टर्स, आप मुझे क्या बुला सकते हो, सब
डॉक्टर्स का भी बड़ा महाराजा होता है, जैसे वैसे डॉक्टर्स में भी मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी मुझे सब डॉक्टर्स से ज़्यादा नॉलेज है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, द किंग अलाउज हिम टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम. अब किंग ने उसको देखा, उसको लगा कि हाँ हो सकता है ये बहुत बड़ा डॉक्टर हो, तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे ट्रीट करना, मेरा इलाज करना स्टार्ट कर दो. किंग अलाउज हिम टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम. नाउ सुरेश बोज बिफोर द किंग. बोज मीन्स झुकना, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था तेनालीरामन में. तो सुरेश बोज बिफोर द किंग एंड सेज माय लॉर्ड देयर इज वन कंडीशन, कि मैं आपका इलाज तो करूँगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है. यू हैव टू डू व्हाट आई टेल यू टू डू, आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपको कहूँगा, अदरवाइज माई मेडिसिन विल नॉट वर्क, नहीं तो मेरी जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी. ठीक है, तो क्या बोला उसने कि मेरी एक कंडीशन है, जो मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मेडिसिन काम नहीं करेगी. ठीक है, सो देर इज नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन. अल्टरनेटिव मीन्स कोई दूसरा वो ऑप्शन नहीं था. अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे तो कोई चॉइस ही नहीं थी उसके पास, क्योंकि डॉक्टर्स आते थे चले जाते थे, तो उसके पास सुरेश की कंडीशन मतलब शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन, कोई उपाय, कोई भी नहीं था. ठीक है, तो उसने बात मान ली उसकी. तब सुरेश ने क्या कहा, देखो सुरेश देन टेल्स द किंग व्हाट इज टू बी डन. तब सुरेश ने बताया कि राजा को क्या करना है. देखो, इट इज़ एज सिंपल एज टू प्लक 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर ट्री. बहुत सिंपल सा काम करना था उसको, कि क्या करना था, एक ट्री है पर्टिकुलर, मतलब बता दिया कि उसी ट्री से आपको लाना है, एक पर्टिकुलर ट्री उसको बताया कि रोज सुबह एवरी मॉर्निंग आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लक 5 नीम लीव्स. प्लक मीन्स तोड़ना, आपको उस पर्टिकुलर पेड़ से 5 नीम के पत्ते तोड़ने हैं. क्या करना है, प्लक 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह आपको उस ट्री तक जाना है, 5 पत्ते तोड़ने हैं. ठीक है, और दिस ट्री स्टैंड्स अबाउट 500 स्टेप्स अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द पैलेस. अब वो ट्री कहाँ है, पास में नहीं है, दैट इज अबाउट 500 स्टेप्स, मतलब 500 कदम की दूरी पर है, वो भी कहाँ से, पैलेस के मेन गेट से. यानी कि अगर उसको उस ट्री तक जाना है तो उसको पैलेस तक के गेट तक आना होगा, फिर उस गेट से 500 कदम उसको चलकर उस ट्री तक जाना होगा. ठीक है, तो देर इज अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. और एक बात और आपको माइंड में रखना है कि वन एंड ओनली वन नीम लीव इज टू बी प्लग्ड एट अ टाइम. कौन सी उसने शर्त रखी, कि आपको उस ट्री तक जाना है, एक पत्ता तोड़ना है, एंड टू बी ब्रॉट बैक टू द मेन गेट ऑफ द पैलेस एंड च्यूड. मतलब कि आपको उस पेड़ तक जाना है, एक पत्ता तोड़ना है, फिर लेकर उसको वापस गेट पर आना है, और फिर उसको चबाना है. च्यू मतलब खाना है, मुंह में चबा चबा के उसको खाना है. इन दिस फैशन 5 नीम लीव्स आर टू बी प्लक्ड एंड च्यूड डेली फॉर 30 डेज विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन. यानी कि ये काम कब तक करना है आपको, पूरे 30 डेज तक आपको डेली ये करना है, कि रोज़ सुबह क्या करना है, मेन गेट से लेके उस ट्री तक जाना है और एक नीम का पत्ता तोड़ना है, फिर वापस आना है, उसे चबाना है, एंड देन फिर से जाना है, फिर से एक पत्ता तोड़ना है, फिर वापस आना है, फिर चबाना है. समझ में आया ना आपको, कि 5 टाइम्स उसको आना है, जाना है, वापस, इस तरह से उसको 5 टाइम्स जाना ही है. ठीक है, एक साथ 5 पत्ते नहीं तोड़ने, एक एक करके ही तोड़ेगा. पहले एक तोड़ेगा, आएगा, खाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दूसरा पत्ता तोड़ेगा, लेकर आएगा और फिर खाएगा. ओके, समझ में आ गया. 30 डेज तक उसको ये काम करना है विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन. बीच में एक भी दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरे 30 डेज तक कंटिन्यूसली उसको ये काम करना है. दिस हैज़ टू बी परफॉर्म बाय द किंग हिमसेल्फ एंड नॉट बाय एनीवन एल्स. और ये काम उसको खुद किंग को करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो अपने अटेंडेंट को बोल दे कि बेटा कि तुम जाओ
और पत्ता तोड़ के लाओ मैं खा लूँगा, नहीं किंग को खुद जाना होगा। समझ में आया ना आपको कि खुद ही उसको ये काम करना है, खुद ही जाना है और खुद ही वहाँ से पत्ता तोड़ कर लाना है और खाना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दिस इज पेज नंबर 38। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द पेज नंबर 39 और देखेंगे कि किंग ये काम कर पाता है या नहीं। ओके, सो टिल देन गुड बाय।